वेलकम एवरीवन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी क्लासिफाइड द पॉलीफेरा प्लैटीहेलमिन्थेस एस्करमिन्थेस एंड सिलेंड्रेटा, और उसके पहले हम लोग ने बेसिक डिस्कस किया था। अब इन वर्टिब्रेट्स में चार और बच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा। इस क्लासिफिकेशन को हम लोग उसी बेस पर करेंगे जिस बेस पर हम लोग ने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग के 6 पॉइंट्स लेके फिर कुछ 2-4 पॉइंट्स हम उसके स्पेसिफिक पॉइंट को डालेंगे, जिससे हमारा करीब 9 to 10 पॉइंट्स बन जाएंगे विद एग्जांपल। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं एनेलिडा से। एनेलिडा अब देखिए, यहाँ से जितने फाइलम्स होंगे उसमें ज़्यादातर सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो एनेलिडा में सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होने लगा। क्लियर? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। फिर दूसरा जो सेमेट्री थी, यहाँ पे बायलेटरल सेमेट्री ना। थर्ड वन इज जर्म लेयर इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। आज इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, उसमें सीलोम कहता कैसा है, सीलोमेट। और स्यूडोपोडिया इसके पीछे जो प्रेजेंट था वहां पर सूडोसीलोमेट था एस्करमेंथेस में। क्लियर? नाउ सेगमेंटेशंस प्रेजेंट है, सेगमेंटेड बॉडी हो गई। अब यहां से बॉडी क्या हो गई है, सेगमेंटेड हो गई। नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड तो पूरे इनवर्टिब्रेस में एब्सेंट होंगे। क्लियर? ये तो 6 पॉइंट जो कॉमन हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट इज दे लिव इन, तो लिव इन सी वाटर और मैरीन वाटर। क्लियर? अब इसमें वेल डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। वेल डेवलप डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम प्रेजेंट। क्लियर? अब सर्कुलेशंस की बात करें तो ब्लड जो होता है इसमें, ब्लड जो प्रेजेंट होते हैं वो रेड इन कलर होते हैं, रेड इन कलर। अब ब्लड रेड इन कलर अभी तक जो पता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और इनका जो मूवमेंट होता है, वो जो मूवमेंट है, मूवमेंट इज बाय सीटी और यू कैन से पैरापोडिया के थ्रू इनका मूवमेंट होता है, सीटी होता है। अगर ऐसे एनिमल्स आपने देखे जिसमें बॉडी एकदम सेगमेंटेशन होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर ढेर सारे यहाँ पे लेग्स इनके प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज जो मसल्स होती हैं इनमें, मसल्स इज ऑफ टू टाइप, सर्कुलर एंड लॉन्गीट्यूडिनल। सेक्सेस इज सेपरेट है और सेक्चुअल है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अर्थ वॉर्म, लीच इसी में आएंगे। तो ये कुछ इधर के जो पॉइंट हैं ये यहाँ पे एनेलिडा में आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सेल, दैट इज कॉल्ड द नेफ्रिडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि फ्लेम सेल प्लैटीहेलमिन्थेस में प्रेजेंट था, रेनेट सेल प्रेजेंट था आपके एस्करमिन्थेस में, और यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो है नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। तो ये हो गए कुछ कैरेक्टर्स एनेलिडा के। ये भी जो कैरेक्टर्स हम जितने बता रहे ये भी आपके लेवल से ज्यादा ही है, आपके बुक में इतने भी नहीं दिए होंगे।
बस यही वाले आपको दिए होंगे, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सक्सेस कैसे होते हैं, और यहाँ पे एस्पिरेटरी ऑर्गन अगर दे दिया तो दे दिया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्थोपोडा। अब ऑर्थोपोडा को डिस्कस करने के लिए देखिए, ये पॉइंट तो आपका इतना सेम है, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा लार्जेस्ट किंगडम है, लार्जेस्ट क्लासेस है जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑर्गेन सिस्टम यहाँ ही प्रेजेंट है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, बॉडी यहाँ पे सेगमेंटेड है, नोटोकॉड एब्सेंट है। तो यहाँ तक के जो पॉइंट हो गए एकदम सेम हो गए। लिव्स इन एवरीवेयर ऑन अर्थ, एवरीवेयर ऑन अर्थ, क्योंकि इसमें इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, आपके होम में प्रेजेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, एयर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो एवरीवेयर ऑन अर्थ, तो यहाँ पे भी वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रिडिया था, यहाँ पे आपका आ गया ग्रीन ग्लैंड, और यू कैन से मेलपीजियन ट्यूब्यूल, मेलपीजियन ट्यूब्यूल। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट है, मसल्स वगैरह सर्कुलर नहीं है। क्लियर। ब्लड तो रेड वगैरह यहाँ पे हटाइए ना। नेक्स्ट इज यहां से अगर पॉइंट देखें तो यहां पर अब आया आपका जॉइंट लेग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑर्थोपोडा का, जॉइंट्स लेग्स होते हैं, जितने इंसेक्ट्स होते हैं इसमें जॉइंट्स लेग्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो जॉइंट्स लेग यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है आपके बॉडी एक्सोस्केलेटन होते हैं, एक्सोस्केलेटन हो जाते हैं, मतलब जो कवरिंग होती है वो एक्सोस्केलेटन की कवरिंग होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स आपको बता दिया है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, सेक्सेस भी सेपरेट होते हैं, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन बाय गिल्स बुक लंग्स। क्लियर। और फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड मेटामॉर्फोसिस टेक प्लेस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, बॉडी के अंदर इनका फर्टिलाइजेशन होता है, मेटामॉर्फोसिस टेक प्लेस होता है, मतलब लाइफ साइकिल्स में कई स्टेजेस आती हैं। ठीक है, और मोल्टिंग टेक प्लेस, मोल्टिंग द रिमूवल ऑफ स्किन फ्रॉम द बॉडी, तो बॉडी से स्किन का रिमूवल होता है तो मोल्टिंग भी होते हैं। अब इसमें फर्दर फोर डिवीजन है एरेक्निडा में, एरेक्निडा, क्रस्टेशिया, मैरियापोडा एंड द इंसेक्टा। ये चार में डिवाइड है। एरेक्निडा के एग्जांपल अगर देखें तो स्पाइडर, क्रस्टेशिया का क्रैब्स जो कि वाटर वगैरह में प्रेजेंट होता है, मैरियापोडा यहाँ पे, मिलीपीडीज, और सेंटीपीडीज इंसेक्ट्स, इंसेक्टा में यहाँ पे इंसेक्ट कोई भी आ गया, बटरफ्लाई आ गया, हाउस फ्लाई आ गया, कॉकरोच आ गया, सब यहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके से एग्जांपल है, ये पूरा ऑर्थोपोडा के में कैरेक्टरिस्टिक्स आपके आ जाएंगे। ये कुछ ज़्यादा ही है, लार्जेस्ट फाइलम है, इस वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन सब में आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रीन ग्लैंड, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स है, एनिलिडा में आपका नेफ्रिडिया है, उसके पीछे रेनेट सेल है, फिर प्लेटेल मेंटिस में फ्लेम सेल है। तो उसको देखिए, कुछ नए नए कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, तो इसको देखिए। नाउ नेक्स्ट इज मोलस्का। मोलस्का में अगर देखें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट क्लासेस हैं इनवर्टिब्रेट्स में, सबसे बड़ा ऑर्थोपोडा था, फिर मोलस्का आता है। तो मोलस्का में यहां तक के पॉइंट जो है कि सेम है,
ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल सेगमेंटेड ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेंट। बॉडी यहाँ पे जो सेगमेंटेड थी यहाँ पे अनसेगमेंटेड हो गई या लिटिल सेगमेंटेड हो गई। हमने जब पीछे लेक्चर में लिया तब एक साथ बता दिया था कि सेगमेंटेड है, इस वजह से कि आपका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट बना रहे। अब यहाँ पे अनसेगमेंटेड होने का रीजन क्या है कि जो बॉडी है ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल होते हैं, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं और दे लाई इन अ कैल्केरियस शेल, सेल के अंदर ये रहते हैं एनिमल्स। तो इनका जो सेगमेंटेशन था वो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गए, तो सेगमेंटेशन कम हो गए या फिर खत्म हो गए, तो ये कैल्केरियस शेल होते हैं। सेल में प्रेजेंट होते हैं, नोटोकॉड एब्सेंट, लिव इन मैरीन और सी, फिर से पानी में चले गए, सी में या फिर मैरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। वेल डेवलप होता है यहाँ पे डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे ब्लड आपका, इसमें जो है आपका ब्लड जो आएगा, ब्लड इज रेड इन कलर, ब्लड इज ब्लू इन कलर, ब्लड इज ब्लू इन कलर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे ब्लू कलर का है और ब्लू कलर क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये ब्लू होता है। रेस्पिरेशन बाय टिनिडियम, रेस्पिरेशन यहाँ पे टिनिडिया के थ्रू होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अ बॉडी इज डिवाइडेड इंटू, बॉडी इज डिवाइडेड इंटू, डिवाइडेड इंटू एंटीरियर, आपका जो ऊपर का पार्ट हुआ वो हो गया आपका हेड रीजन, फुट रीजन में, एंड डॉर्सल हम्प। डॉर्सल हम्प मतलब एक ऐसा उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस हम्प हैव अ टिश्यू, यहाँ पे टिश्यू होता है, एंड दैट टिश्यू इज द मेंटल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, क्लियर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताते चल रहे हैं, फर्टिलाइजेशंस वगैरह यहाँ पे आप रिमूव कर दीजिए, और एस्क्रेटरी सिस्टम यहाँ पे, क्लियर, सेक्सेस इज सेपरेट, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं, सेक्सेस इज सेपरेट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ और ये हुआ, और बॉडी आपके कैल्केरियस में होती है, मतलब शेल में प्रेजेंट होती है। पियर फॉर्मेशन, पियर फॉर्मेशंस होता है, पियर्स मतलब मोतियों का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, जो आप मोती देखते हो जिसका जो है कि ज्वेलरी वगैरह बनती है, वो पियर फॉर्मेशन यहीं पर होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आ गया, ठीक है, यूनियो पाइला पिक्टिडा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉस्टली जो पियर्स होते हैं वो पिक्टिडा से ही फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मोलस्का में आते हैं। बस यहाँ पे एक चेंजेस करिएगा, यहाँ पे अनसेगमेंटेड है बिकॉज बॉडी इज सॉफ्ट एंड द बॉडी इज लाइन अ कैल्केरियस शेल, सेल के अंदर होते हैं इसलिए बॉडी सॉफ्ट होते हैं, तो सेगमेंटेशन क्लोज हो जाते हैं, बाकी चीजें तो मरीन एक डेवलपमेंट है और ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब एस्क्रीटरी ऑर्गन यहाँ पर आपका पियर फॉर्मेशन से बगैर इतना ही आप रखिए जो तो आपके लिए ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा एकाइनोडर्मेटा, अब एकाइनोडर्मेटा में सेम है यहाँ पर सब कुछ, ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल से यहाँ पे हट के आपका आ जाएगा रेडियल, जो हमने आपको
बताया था कि यहाँ पर एकाइनोडर्मेटा और सिलेंट्रेटा दो ही ऐसे क्लासेस हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है, बाकी सब में बायलेटरल होती है और ए सिमेट्री आपका पॉरीफेरा में होता है। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ये सी और मैरीन में प्रेजेंट होते हैं और इसमें भी सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड वगैरह यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लोकोमोशन बाय ट्यूब फीड, लोकोमोशन बाय ट्यूब फीड, ट्यूब फीड के थ्रू इनका लोकोमोशन होता है। इनका माउथ इज लाइन दी, माउथ इज ऑन द वेंट्रल साइड है, नीचे की तरफ होता है एंड द एनस इज डॉर्सल साइड। ठीक है, तो एनस ऊपर होता है, माउथ नीचे होता है, क्योंकि ये सबस्ट्रेटम में प्रेजेंट होते हैं, पानियों के नीचे प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पर जो है जो खाना आएगा इनको वो वहां से टेंटिकल से ग्रैब्स करके नीचे की ओर लेते हैं। अगर माउथ ऊपर रहेगा तो टेंटिकल्स ऊपर की तरफ मूव नहीं करते, नीचे की तरफ इनके मूवमेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सेल्स जो होते हैं यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। क्लियर? और जो होता है एक्सक्रीशन वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। एग्जांपल की अगर बात करें तो स्टारफिश जो आपको याद होना चाहिए और सी कुकम्बर इसमें आ जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका। इनके जो स्किन होती है वो काफी रफ एंड स्पाइनी होती है, स्किन इज रफ एंड स्पाइनी, मतलब कांटेदार होते हैं, काफी रफ होते हैं, और इनके जो टेंटिकल्स होते हैं या फिर वो जो आर्म्स होते हैं फाइव पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर ये स्टारफिश को देखें हम, तो इस तरीके से स्टारफिश होती है। इस तरीके से पांच टेंटिकल्स में होते हैं, इसी से ये फूड को अंदर लेंगे, तो फूड आपका यहाँ माउथ नीचे की तरफ होता है, एनस आपका ऊपर की तरफ होता है, तो प्रेजेंट होता है। इस तरीके से आपका एकाइनोडर्मेटा के साथ इनवर्टिब्रेट्स आपका खत्म हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो आपको वर्टिब्रेट्स लेकर चलेंगे, क्योंकि एनिमल किंगडम में हमने बताया था दो पार्ट, एक इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलेंगे वर्टिब्रेट्स के साथ। थैंक यू।